कोई फसल हो या गार्डन प्लांट, मिलीबग्स बहुत बड़ी समस्या है। इसे समय रहते नहीं हटाया जाए तो पूरा प्लांट्स को ख़राब कर देता है और आसपास के प्लांट्स में भी पहुंच जाते हैं, और इस काम के लिए चिट्टी इनकी मदद करता है। बदले में चिट्टी को इनसे इनका मीठा वाला मूत्र मिल जाता है। मिलीबग एक खतरनाक सकिंग पेस्ट है जो प्लांट्स के ऊपर भाग में रहते हैं और उनका रस चूसते हैं। ये पेस्ट अपनी सकर को प्लांट्स के नरम हिस्से में यानी प्लांट्स के न्यूली ग्रोथ में घुसाते हैं और उनका रस चूसते हैं। इसके आक्रमण से पौधे की नई ग्रोथ सिकुड़ जाती हैं, पौधे कमज़ोर पड़ जाते हैं और कई बार डाईबैक होकर मर जाते हैं। मिलीबग अपने शरीर को ढकने के लिए अपने शरीर से एक ऊली मटेरियल निकालता है और ये इनको प्लांट से चिपकने में मदद करता है और बाकी दोस्तों से भी। इनके वजह से ये पानी से भी बचता है और ख़तरनाक कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड से भी। तो इसे हटाने के लिए और इसे छुटकारा पाने के लिए हमें सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का सहारा लेना पड़ेगा। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड पौधे के अंदर में जाके काम करता है, तो जब भी कोई भी पेस्ट पौधे के रस चूसेगा तो वो मर जाएगा। हम इमिडाक्लोरोबिड ग्रुप की कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। इस ग्रुप की दवा मार्केट में कई नाम से मिल जाते हैं, जैसे बायर का कॉन्फिडर, यूपीएल का इमिडा गोल्ड इत्यादि। इसके अलावा हम बोथ कॉम्बिनेशन जैसे क्लोरोपाइरीफॉस एंड साइपरमेथ्रिन ग्रुप का कोई भी दवा या फिर प्रोपेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन ग्रुप की कोई भी दवा, अगर हम इमिडाक्लोरोबिड यूज़ करेंगे तो उसका डोज होगा 0.5 ml प्रति लीटर, और अगर हम बोथ कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें डोज लेना पड़ेगा 1 ml पर लीटर। अगर इसके प्रिवेंटिव मेथड का ऑर्गेनिक कंट्रोल का बात करें तो इसमें हम आग्नेयास्त्र नीमास्त्र यूज़ कर सकते हैं 10 दिन के अंतराल में। शाम के टाइम इसका स्प्रे करना ठीक रहता है। दवा स्प्रे करने के एक दिन बाद काफ़ी सारे मिलीबग मर जाएंगे और काफ़ी सारे मिलीबग पौधे से चिपके हुए मिलेंगे, तो हमें उन्हें हाथ से हटा देना है और पौधे को साफ कर लेना है। अगर समय रहते मिलीबग को नहीं हटाया जाए तो ये पूरे पौधे को ख़राब कर देता है और आसपास के जितने भी पौधे हैं उनमें भी पहुँच जाते हैं।